सरकारी आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के संबंध में पीड़ित लोगों द्वारा एसएसपी को सौंपा गया शिकायती पत्र के माध्यम से पीड़ित लोगों ने बताया कि पीड़ित लोग पूर्व में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां धोखाधड़ी के लिए शिकायती पत्र दे चुके हैं, जिस पर पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही न किए जाने पर पीड़ित लोग पुनः एक बार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां पहुंचे और शिकायती पत्र देते हुए कहा कि धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने सिविल लाइन थाने में बैठकर समझौता किया था, जिस पर सिविल लाइन थाना प्रभारी ने धोखाधड़ी करने वालों को फटकार लगाते हुए कहा था कि जल्द ही पीड़ित लोगों का पैसा वापस कर दिया जाए, नहीं तो तुम पर कार्यवाही की जाएगी। जिस पर धोखाधड़ी करने वालों ने पीड़ित लोगों को चेक के रूप में राशि वापस कर दी, लेकिन समय आने पर वह चेक बाउंस हो गया, जिस पर काफी समय बीतने के बाद भी पैसा नहीं मिला तो पीड़ित लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायती पत्र लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायती पत्र देने आए लोगों ने अपना नाम मधु यादव, वैशाली यादव, अपर्णा, विजेंद्र यादव, लता, राजीव कुमार, मनोज यादव, आकाश, गीता यादव, अलका आदि बताया कि इन लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी कर मोटी रकम ठग ली है। जी, क्या परेशानी है, क्यों आए यहाँ पैसे के यहाँ? मकान निर्माण के नाम पर धोखाधड़ी दी थी हमारे पास। हमने पहले भी कप्तान साहब को शिकायत पर दिया था। तो रात के जो पीड़ित था, हम लोग जो मैं वो थे नागवंशी, उन्होंने पैसे लिया था और वो जो दो मैं पगले गाँव के बात चिराग गजपति, उन्होंने पैसे लिए थे इसके अंदर। अब उन्होंने चेक भी दिया हम लोगों को, लेकिन चेक बाउंस हो गया। चेक के सामने धोखाधड़ी हुई हमारे साथ। अच्छा, और साथ साथ समझौता करने के बाद भी हमारे साथ कोई पैसा नहीं हाथ में आया। तो समझौता कब हुआ था? समझौता फरवरी में, 4 अप्रैल में। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने चेक दे दिया, चेक हो गया बाउंस। पहले 4 तारीख थी, 1 महीने बाद देंगे, उसके बाद चेक दिया, चेक भी बाउंस हो गया। तो कैसे वो करी धोखापड़ी मकान? मतलब समझौता होने के बाद भी पैसे हाथ में हमारे हाथ में। सरकारी मकान निगम दिलाने के नाम पर। अच्छा, सरकारी आवाज दिलाने के नाम पर। मेरा हितेंद्र यादव। हाँ, क्या समस्या है आपकी? आपकी जो मकान दिलाने को, सरकारी मकान दिलाने को धोखाधड़ी करी। किन लोगों ने करी है? ये नागवंशी बगला गाँव निवासी और उनके और चिराग यादव और जगबिया पकड़ नागवंशी। अच्छा, तो क्या मतलब कितने पैसे दिए लोगों ने? लोगों ने कम से कम 10 लोग आए, कम से कम 2,30,000। कितने लोगों ने? लगभग 10 जन है। तो 10 जनों के साथ फ्रॉड किया उन लोगों ने? तो क्या हुआ, क्या बात हुई? कुछ नहीं सर, 4 तारीख को समझौता हुआ था हमारा मंजोली थाने में। हाँ, उसमें उन्होंने हमें 4 तारीख को तो कुछ पैसे दिए समझौते में? कुछ नहीं दिया अभी, कोई पैसा नहीं आया। तो क्या दिया फिर? चेक दिया था उन्होंने। तो चेक क्लियर हो गया आपका? नहीं, क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया उनके खाते में पैसे। और ये भी कंडीशन है, वो ये भी कहते हैं कि आपसे पैसा लिया है तो ले जाना, हमारी बहुत बहुत बात है, ये भी कहते हैं। उसमें बंगला निवासी जगती भी है, चिराग यादव भी है और नागरिक। वही जब शिकायती पत्र के माध्यम से लगे आरोपों के बारे में जब दूसरे पक्ष फकीर चंद्र नागवंशी से इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जी भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम फकीर चंद्र नागवंशी है जी। आपके खिलाफ एसएसपी ऑफिस में एक शिकायती पत्र दिया गया, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि काफी समय से हमारे कुछ 20 लोग थे जो मकानों का बात करे थे, चलो करवा देंगे दूसरे माध्यम से आए मेरे पास। अब उन्होंने कहा हम मकान नहीं रहे, हमारे पैसे दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा मैं जिम्मेदारी मैंने ले ली कि पैसे मैं दिलवाऊँ, मैं जिम्मेदार हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो इसी क्रम में मैंने हितेंद्र यादव के नाम से 2,30,000 का चेक काट के दे दिया कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दूंगा, जिस दिन तो पैसे दे रहा हूँ उस दिन चेक ले जाऊँगा। लेकिन मुझे आज जानकारी हुई है लोगों वाले से कि बोले उन्होंने जो चेक बाउंस करा लिया, लेकिन उन्होंने सरासर गलत करा, क्योंकि जब मैंने कह दिया था उनसे कि पैसे मैं खुद दिलवाऊँगा और चेक ले जाऊँगा, तो ये काम उन्होंने करना नहीं चाहिए था। इसी मेरे खिलाफ दिए कार्रवाई, जो कि मेरे खिलाफ अन्याय कर रहे हैं लोग। जैसे कई लोग थे, वो लोग 8-10 लोग थे जी। मैं तो जानता नहीं, मैं तो सिर्फ हितेंद्र को जानता हूँ, हितेंद्र यादव है, और उन्हीं के नाम से चेक दिया काट के। तो क्या मानते हैं आप? भाई जब मैंने चेक दिया तो मैं जिम्मेदार तो फिर मैं हुआ, अगर मैंने चेक नहीं होता तो मैं जिम्मेदारी नहीं थी मेरी। मैंने सिर्फ जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी पर मैंने कह दिया चेक मैं दे रहा हूँ, मैं काट रहा आपको, मैं आपको पैसा
पैसे मैं दिलवाऊंगा, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दूंगा पैसे, चाहे बोले देंगे दूंगा। लेकिन उन्होंने इससे पहले ही चेक बाउंस करा लिया। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जो उनका पैसा है वो दिलाया जाएगा, चाहे दस दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, इसी बीच में उनको पैसे दिला दिए जाएंगे, कोई परेशानी है।